बॉलीवुड की 10 सबसे शानदार मोटिवेशनल फिल्म जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्फा मेल के लिए है। एंड इस फिल्म में जो प्रोटैगनिस्ट है एकदम जीरो से अपना सफर स्टार्ट किया एंड अपना एम्पायर बिल्ड किया। एंड ये फिल्म हमें रियल लाइफ में भी हमें मोटिवेट करती है। एंड कहीं ना कहीं आप भी डीमोटिवेट हो गए हो तो जरूर से कंसिडर करें इन 10 में से कोई भी एक फिल्म देखने को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन दबा करके। दोस्तों इस लिस्ट के टॉप 10 पर है ऋतिक रोशन की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वाली फिल्म लक्ष्य, कि कैसे एक आलसी लड़का जिसने अपने फ्यूचर में कुछ भी तय नहीं किया कि करना क्या है एंड कैसे वो आगे चल के इंडियन आर्मी को सर्व करता है एंड एक क्रूशियल मिशन को कंप्लीट करता है। नंबर 9 पर है एक और तगड़ी फिल्म जिसमें रणदीप हुड्डा एंड हमें काजल अग्रवाल देखने को मिली थी। दो लफ्जों की कहानी काफी ज्यादा इमोशनल एंड मोटिवेशनल, ये दोनों कैटेगरी के लिए फिल्म है। नंबर 8 पर है बहुत पुरानी फिल्म जो कि फैमिली वैल्यूज एंड मोटिवेशन इन दोनों को जगाती है, जिसमें यार सनी देओल, बॉबी देओल एंड उनके पिता धर्मेंद्र नजर आए थे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अपने फिल्म की। नंबर 7 पर है जॉन अब्राहम की तगड़ी फिल्म की कैसे सादा सिंपल इंसान को फंसा दिया जाता है एंड जेल में रहते हुए कैसे वो तगड़ी बॉडी बनाते हैं, जीरो टू हीरो एकदम बाबू, गुड बॉय से बैड बॉय में तब्दील होते हैं, सूट आट वडाला। टॉप 6 पर है एक ऐसी फिल्म की मैंने 12वीं में देख करके अपना सर मुड़वा लिया, इतना ज्यादा मोटिवेशन मिला इस फिल्म से, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आमिर खान की दंगल फिल्म की, जो कि आपको मोटिवेशन से यार झिझोल देती है एंड सही में मोटिवेशनल जर्नी रहता है इस फिल्म का। नंबर 5 पर है वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड फिल्म जो कि मोटिवेशन हो, स्टोरी हो, रियल लाइफ हो, कितना कुछ सीखने को मिलता है इस फिल्म से, द परफेक्ट अल्फा मेल मोटिवेशनल फिल्म सलमान खान की सुल्तान, जो आपको एहसास दिलाती है कि आपके पास जब कुछ नहीं होता तो कोई नहीं होता, लेकिन जब आपके पास सब कुछ होता है तो आपके पास भी सब होते हैं। नंबर 4 पर है विदू जामवाल सर की खुदा हाफिज चैप्टर 2 की कैसे एक कॉमन मैन दौड़ भाग भरी जिंदगी में जीता है, लेकिन जब बात आ जाती है उसके अपने परिवार पे तो वो किसी से भी लड़ सकता है, हर एक हदों को पार कर सकता है भाई। नंबर 3 पर है एक और बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट फिल्म जिसमें मोटिवेशन के तौर पर एक बहुत ही अच्छा सीख हमें मिली थी, जो ब्रूसली भी हमें सिखाते हैं कि मुझे उससे डर नहीं है जो 100 तरह तरह की किक प्रैक्टिस करता है, बल्कि मैं उससे डरता हूँ जो एक किक को 100 बार प्रैक्टिस करता है। एंड इसी बात को काफी अच्छी तरीके से चांदनी चौक 2 चाइना फिल्म में दिखाई गई है। नंबर 2 पर है एक और तगड़ी फिल्म टाइगर श्रॉफ की बागी, जहाँ पर टाइगर श्रॉफ एकदम एक बैड बॉय होते हैं, लाइफ में कुछ करना वरना है या नहीं है कुछ नहीं सोचा, लेकिन जब वो एक बार तय कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है एंड इतना अच्छा उनको गुरु मिलता है भाई कि अपने प्यार के खातिर सरहदें पार कर देते हैं और मार मार के दुश्मनों की बैंड बजा देते हैं। एंड नंबर 1 पर है एक रियल लाइफ स्टोरी जिसे जितनी बार देखे यार उतनी बार कम है, भाग मिल्खा भाग, जहाँ पर फरहान अख्तर ने कितना तगड़ा परफॉर्मेंस दिया एंड ये एक रियल लाइफ जर्नी है बाबू। एंड ये फिल्म है बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल फिल्म ऑफ बॉलीवुड फॉर अल्फा मेल। लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड की टॉप 5 एमएमए फाइट वाली फिल्म कौन सी है? नहीं पता तो जरूर से ये राइड वाली वीडियो देख लो, मजा आ जाएगा। एंड ये वीडियो है पसंद इसे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करना, डेली तगड़ी वीडियो आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।